नमस्कार दोस्तों हर्षित द्विवेदी एजुकेशन में आपका स्वागत है मेरा नाम है विनीत सागर नवी मुंबई में कमोते खरगर रीजन में ओवर हंड्रेड मैंग्रूव को डिस्ट्रॉय किया दोस्तों एक बंड कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड इसके अगेंस्ट काफी एनवायरमेंटलिस्ट बहुत पहले से कंप्लेन कर रहे थे पुलिस को पर पुलिस ने बहुत लेट एफआईआर फाइल किया है अब जाके एक काम को रोका है पर तब तक ओवर हंड्रेड मैंग्रूव डिस्ट्रॉय हो चुका है दोस्तों यही तो हमारे देश का प्रॉब्लम है जब कोई कंप्लेन करते हैं तब एक्शन नहीं लेते जो होना था वो हो चुका होता है तब जाके एक्शन लेते हैं अब ये जो हंड्रेड मैंग्रूव ऑलरेडी डिस्ट्रॉय हुआ है दोस्तों इसका क्या है तो ये जो मैंग्रोव फॉरेस्ट है दोस्तों ये सियोन पनमेल हाईवे के पास में है जितने ग्रीन एक्टिविस्ट है वो वेरियस गवर्नमेंट अथॉरिटीज को इसके बारे में कंप्लेन कर रहा था काफी दिनों से पर अब जाके इस सेंसिटिव रीजन का प्रोटेक्शन के लिए ने कुछ किया है तो हुआ क्या ना दोस्तों बंड का मतलब क्या होता है फ्लो ऑफ़ द वाटर को रेगुलेट करने के लिए जब एक स्ट्रक्चर बनाता है ना बीच में इसे बंड बोलते हैं तो कुछ लोगों ने क्या किया है सबसे पहले मैंग्रोव फॉरेस्ट के अंदर जो टाइडल वाटर आ रहा था उसे रोका बंड बना के इसके बाद जब ये पानी पूरा निकल गया तो मैंग्रोव ट्रीज को काटा है अब कुछ ग्रीन एक्टिव का कहना यह है दोस्तों अब तो केवल सो मैंग्रोव ट्रीज को काटा है लार्ज स्केल डिस्ट्रक्शन प्लान था एलो खरगर स्ट्रेच एंड नन ऑफ द अथॉरिटीज हैव एक्टेड अभी तक तो कोई अथॉरिटीज एक्ट नहीं कर रहा था अब जाके कुछ रिस्पॉन्स हुआ है दोस्तों और एक एफ आई आर फाइल हुआ है अंडर सेक्शन फिफ्टीन ऑफ द एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट विच प्रोवाइड्स फॉर इन अप टू फाइव ईयर एंड फाइन अपू रुपीज वन लैक तो ऑफिशियल्स ने इस बंड को इमीडिएटली डिमोलिश करने का ऑर्डर दिया है और उनका कहना यह है जब यह टाइडल वाटर वापस पहुंच जाएगा मैंग्रोव फॉरेस्ट में मैंग्रोव ऑटोमेटिकली ग्रो हो जाएगा पर देखिए दोस्तों जो खराब हो गया वो तो खराब हो गया ना अब इसे वापस ग्रो करने में कितना टाइम लगेगा अब दोस्तों मैंग्रुव के बारे में कुछ बेसिक डिटेल्स दे आर प्लांट्स दैट ग्रो इन इंटर टाइडल एरियाज इंटर टाइडल एरिया मतलब क्या होता है ये देखिए दोस्तों ये है मीन सी लेवल जो नॉर्मल सी लेवल है हाई टेड के टाइम पर पानी इधर तक पहुंचता है और जब लो टेड होता है पानी इधर तक पहुंचता है तो ये जो एरिया है दोस्तों इसे आप इंटर टाइडल एरिया बोल सकते हैं एरियाज में मैंग्रोव ग्रो होता है दोस्तों एंड दे आर हेलोफाइट्स हेलोफाइट्स का मतलब होता है सोल्ट लविंग मोस्ट प्लांट्स कैन नॉट सर्वाइव इन सोल्टी कंडीशन वैसे मैंग्रोव का अलग अलग वराइटीज है उसमें मेजोरिटी जो है सोल्टी कंडीशन में ही सर्वाइव करते हैं ठीक है एंड दे लिव इन ए यूनिक एनवाइ बिटवीन लैंड एंड सी ओबीसी बात है दोस्तों लैंड एंड सी के बीच में जो कोस्टल एरियाज है वही मैंग्रोव फॉरेस्ट का एनवाट है एंड दे रिप्रेजेंट ए कैरेक्टरिस्टिक लिटोरल फॉरेस्ट इकोसिस्टम लिटोरल फॉरेस्ट इकोसिस्टम का मतलब क्या है जो सीशोर के पास में इकोसिस्टम होता है दोस्तों वो है लिटोरल फॉरेस्ट इकोसिस्टम नाउ दीज आर मोस्टली एवरग्रीन फॉरेस्ट द्र ग्रोइंग शेल्टेड लो कोस्ट, एस्टूरी मड फ्लैट टाइडल क्रीच, बैकवाटर्स मार्शस एंड लेगून्स ऑफ ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रीजियंस तो देखिए दोस्तों ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रीजियंस में लोअलिंग कोस्ट एस्टूरीज में मड फ्लैंड में बैकवाटर्स में मार्शस में लेगून्स में आपको मैग्रूव फॉरेस्ट देखने को मिलेगा नाउ मैंग्रूवस ऑकर वर्ल्ड वाइड इन ट्रॉपिक्स एंड सब ट्रॉपिक्स मेनली बिटवीन लेटिट्यूड्स 25 डिग्री नॉर्थ एंड 25 डिग्री साउथ ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों इससे पहले भी एक दो वीडियो में ये सब के बारे में आपको बताया था ना इंडिया में कौन कौन से मेजर मैंग्रोव फॉरेस्ट है दोस्तों देखिए सुंदरबन ग्रोस जो इंडिया और बांग्लादेश के बीच में वैसे सुंदरबन मैंग्रोव फॉरेस्ट जो है उसका सिक्सटी परसेंट बांग्लादेश में फोर्टी परसेंट इंडिया में है ठीक है टाइगर रिजर्व है नेशनल पार्क है बायोस्फीयर रिजर्व है यह सब आपको पता होगा अगला है महानदी मैंग्रोव ये ओडिशा में है दोस्तों फिर कृष्णा गोदावरी मैंग्रोव्स आंध्र प्रदेश मैंग्रोव्स ऑफ गुजरात रत्नगिरी मैंग्रोव्स गोवा मैग्रूव्स कावेरी डेल्टाइक मैग्रूव्स अंडमान निकोबार मैंग्रोव्स एंड द मैग्रोव्स ऑफ सुंदरबंस आर द लार्जेस्ट सिंगल ब्लॉक ऑफ टाइडल हैलोफेटिक मैंग्रोव्स इन द वर्ल्ड तो देखिए लार्जेस्ट सिंगल ब्लॉक ऑफ टाइडल हैलोफिटिक मैग्रोवस कहाँ पे है दोस्तों या फिर आप ऐसे सिंपल भाषा में बोल सकते हैं लार्जेस्ट मैंग्रोव फॉरेस्ट कहाँ पे है यह है सुंदरबंस वैसे सुंदरबन मैंग्रोव फॉरेस्ट इज फेमस फॉर रॉयल बंगाल टाइगर एंड क्रोकोडाइल्स नाउ सेकंड लार्जेस्ट मैंग्रोव फॉरेस्ट कौन सा है दोस्तों इंडिया में दैट इज ओडिशा नाउ मैंग्रोव फॉरेस्ट कौन कौन से इकोसिस्टम सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं ये चेक करते हैं दोस्तों सबसे पहली बात अगर आप इकोनॉमी के हिसाब से देखोगे इट प्रोवाइड्स अप टू 800 बिलियन यूएस डॉलर्स पर ईयर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट नाउ इट्स डेंसिटी मेक्स मैंग्रूव वुड एस ए वैल्युड सोर्स ऑफ टिम्बर एंड फ्यूल तो देखिए टिम्बर एंड फ्यूल के लिए भी आप यूज कर सकते हैं एंड इट प्रोवाइड्स कोस्टल प्रोटेक्शन रिस्टोरिंग मैंग्रूवस फॉर कोस्टल डिफेंस अप टू फाइव टाइम्स मोर कॉस्ट इफेक्टिव देन ग्रे इंफ्रास्ट्रक्चर सचास ब्रेक वाटर्स देखिए जितना ह्यूमन मेड स्ट्रक्चर्स है ना कोस्टल एरियाज को प्रोटेक्ट करने के लिए जैसे कि ब्रेक वाटर्स वगैरह हम डेवलप करते हैं उससे पांच गुना ज्यादा स्ट्रोंग है दोस्तों ये जो नेचुरल प्रोटेक्शन है फिर देखिए 120 मिलियन पीपल मैंग्रूव के आसपास रहते हैं एंड टू टू फाइव हेक्टेस ऑफ मैंग्रोव में ट्रीट द एफ्लुएंस ऑफ वन हेक्टर ऑफ अक्वा कल्चर देखिए वन हेक्टर ऑफ अक्वा कल्चर का जो वेस्ट है एफ्लुएंस है उसे मैंग्रोव फॉरेस्ट ट्रीट कर सकता है सो दे प्रोवाइड्स वाटर फिल्ट्रेशन ऑल्सो नाउ टूरिज्म देर आर ओवर टू थाउजेंड मैंग्रूव रिलेटेड अट्रैक्शन ग्लोबली सच एस बोट टूर्स बोट वॉक कयाकिंग फिशिंग एक्सेट्रा एंड क्लाइमेट रेगुलेशन आप देखिए दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट मैंग्रोव फॉरस्ट का जो कार्बन स्टोरेज पोटेंशियल दोस्तों ये नॉर्मल ट्रोपिकल अपलान से तीन से पांच गुना ज्यादा है ड्यू टू स्ट्रॉन्ग कार्बन स्टोरेज इन द सोइल ठीक है एंड सी ओ टू रिलीज बाई ग्लोबल मैंग्रोव लोस एनुअली कुल एमिश ऑफ ऑस्ट्रेलिया देखिए अगर पूरे मैंग्रुव फोरेस्ट को डिस्ट्रॉय किया जाएगा तो उससे जितना सीओ टू एमिशन होगा ना वो पूरा ऑस्ट्रेलिया का जो एनुअल इमिशंस है उससे भी ज्यादा होगा तो आप समझ सकते हो कितना कार्बन स्टोरेज होता है मैंग्रोव फॉरेस्ट के थ्रू फाइनली फिशरीज मोर देन थ्री थाउजेंड फिश स्पीशीज आर फाउंडिंग मैंग्रोव इकोसिस्टम्स तो ये सारी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है दोस्तों आपसे एग्जामिनेशन में अगर पूछे तो ये सारे पॉइंट्स लिख देना कौन कौन से इकोसिस्टम सर्विस मैंग्रोव फॉरेस्ट प्रोवाइड करते हैं तो इंडिया में कौन कौन से स्टेट्स में मैंग्रोव कवर है दोस्तों सबसे ज्यादा है बस बंगाल में 2112 स्क्वायर किलोमीटर एरिया है फिर गुजरात में 1177 स्क्वायर किलोमीटर फिर अंडमान निकोबार आइलैंड्स आइलैंड फिर आंध्र प्रदेश 404, फिर ओडिशा 251, महाराष्ट्र 320, तमिलनाडु 45, गोवा गोवा में भी है 26 स्क्वायर किलोमीटर फिर कर्नाटका में थोड़ा सा एरिया है टेन एंड फाइनली केरला में नाइन स्क्वायर किलोमीटर तो फले एरिया में डिफरेंस है फिर भी इंडिया के सारे कोस्टल स्टेट्स में आपको मैंग्रोव फॉरेस्ट देखने को मिलेगा एट द सेम टाइम आपको यह ध्यान रखना है दोस्तों लक्षद्वीप में कोई नोटिफाइड मैंग्रोव फॉरेस्ट नहीं है। का एट्टी फाइव परसेंट आपको कोकोनट प्लांटेशंस देखने को मिलेगा उधर कोई नोटिफाइड मैंग्रोव फॉरेस्ट नहीं है वेरास एंड निकोबर आइलेट्स में है 616 स्क्वायर किलोमीटर तो मैंग्रोव के ऊपर मेजर थ्रेड्स क्या है दोस्तों नंबर वन इज कमर्शियलाइजेशन ऑफ कोस्टल एरियाज देखिए कोस्टल एरियाज में काफी सारे आजकल बिजनेस होते हैं दोस्तों जैसे कि एक्वाकल्चर कोस्टल डेवलपमेंट राइस एंड पाम ऑयल फार्मिंग इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज एक्सेट्रा ये सब ऑब्वियसली मैंग्रोव फॉरेस्ट को डिस्ट्रॉय करेंगे नौ अगर देखा जाएगा तो पिछले 40 साल में 50 परसेंट ऑफ मैंग्रोव कवरेज कम हुआ है दोस्तों सेकंड इज टेम्परेचर रिलेटेड इश्यूज देखिए अगर शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में 10 डिग्री से ज्यादा टेम्परेचर डिफरेंस होता है ना कहीं भी तो मैंग्रोव स्पीशीज पूरा डिस्ट्रॉय हो जाएगा अगला भी एक नेचुरल में ऑक्सीजन का कम रहता है दोस्तों अब दूसरे प्लांट्स क्या करते हैं सोइल में जो ऑक्सीजन ट्रैप्ड रहता है उसे अब्जोर्व करते हैं पर मैंग्रुव फॉरेस्ट के लिए पॉसिबल नहीं है दोस्तों क्योंकि मैंग्रोव फॉरेस्ट जहां पे है उधर दिन में दो बार पानी आ जाता है तो उधर तो मिट्टी से ऑक्सीजन अपसोप करने का ऑप्शन नहीं रहता है मैंग्रोव फॉरेस्ट के पास तो दिस इज ए नेचुरल थ्रेट नाउ एक्सेसिव ह्यूमन इंटरवेंशन देखिए आजकल सी लेवल में इंक्रीज हुआ है दोस्तों इसलिए जो मैंग्रोव फॉरेस्ट है ये लैंड की तरफ स्प्रेड हो रहा है पर ज्यादा अंदर जाने से भी प्रॉब्लम है क्योंकि इधर तो ह्यूमन इंटरवेंशन होगा ह्यूमंस का सेटलमेंट होगा तो ये भी एक थ्रेड बिट चुका है दोस्तों बेसिकली सी लेवल राइस की वजह से मैंग्रोव फॉरेस्ट में डिस्ट्रक्शन हो रहा है एंड फाइनली दे आर आल्सो फ्रीक्वेंटली सफर सफर फ्रॉम ऑयल स्पिल्स देखिए मर्चेंट शिप्स पे शिप से जो ऑयल स्पिल होता है कई सारे न्यूज़ तो हमने कवर किया है ऑयल स्पिल्स के बारे में एक डिटेल्ड वीडियो चैनल में अवेलेबल है तो ये ऑयल स्पिल्स से भी मैंग्रूवस को प्रॉब्लम होता है फाइनली मैंग्रोव फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए अथॉरिटीज की तरफ से क्या क्या एक्शन हुआ है दोस्तों नंबर वन सुंदरबन मैंग्रोव फॉरेस्ट जो है ये दुनिया का पहला मैंग्रोव फॉरेस्ट है जिसे साइंटिफिकली मैनेज करते हैं दोस्तों तो बेसिकली साइंटिफिक रिसर्च वगैरह होता है किस तरह इस इकोसिस्टम को प्रोटेक्ट किया जाए देखिए 1976 में एनवायरमेंट मिनिस्ट्री नेशनल मैंग्रूव कमिटी सेटअप किया था मैंग्रूव फॉरेस्ट के कंजर्वेशन एंड प्रोटेक्शन के लिए फिर 1979 में मैंग्रोव मैपिंग को रिकमेंड किया दोस्तों यूजिंग रिमोट सेंसिंग लैंड सर्विस एंड अदर मेथड्स टू आइडेंटिफाई डिग्रेडेशन रेट एनालाइजिंग साइट्स फॉर रिजर्व फॉरेस्ट कंजर्वेशन प्रोग्राम्स अफॉरेस्टेशन तो देखिए तो नाइनटीन में काफ़ी कुछ किया गया दोस्तों एक तो सबसे पहले मैंग्रोव फॉरेस्ट का सर्वे रिकमेंड किया रिमोट सेंसिंग यूज करके लैंड सर्वे यूज यूस करके इससे पता चल जाएगा मैंग्रोव फॉरेस्ट का डिग्रेडेशन रेट क्या है मतलब किस रेट में मैंग्रोव फॉरेस्ट डिस्ट्रॉय हो रहा है ताकि उसके कंजर्वेशन के लिए एक्शन वगैरह ले सके ठीक है फिर 2005 में देखिए वन इंपॉर्टेंट पॉइंट मुंबई हाई कोर्ट ने मैंग्रूव को एस फॉरेस्ट डिक्लेयर किया तो फॉरेस्ट प्रोटेक्शन के लिए जितने भी एक्ट है वो सब मैंग्रोव फॉरेस्ट के लिए भी एप्लीकेबल हो जाएगा फिर 2018 में हाई कोर्ट रूल दैट डिस्ट्रक्शन ऑफ वायलेटेड मैंग्रूवि फंडामेंटल अंडर आर्टिकल ट्वेंटी कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल ट्वेंटी वन के अंडर हाई कोर्ट ने यह रूल किया कि अगर मैंग्रोव फॉरेस्ट का डिस्ट्रक्शन हो रहा है यह सिटीजेंस के फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन है नाउ एक इंटरनेशनल इनिशिएटिव है दोस्तों मिटिगेटिंग क्लाइमेट चेंज थ्रू द कंजर्वेशन एंड रिस्टोरेशन ऑफ कोस्टल एंड मरीन इकोसिस्टम तो देखिए क्लाइमेट चेंज को मिटिगेट करने के लिए कोस्टल एंड मरीन इकोसिस्टम को कंजर्व करना रिस्टोर करना इंटरनेशनल ब्लू कार्बन इनिशिएटिव का ऑब्जेक्टिव है तो इसमें मैंग्रूव फॉरेस्ट भी कवर्ड है ओब्वियसली क्योंकि कोस्टल एको में आता है मैंग्रूव फॉरेस्ट जो है और ये ब्लू कार्बन इनिशिएटिव को कोऑर्डिनेट कौन करता है नंबर वन कंसर्वेशन इंटरनेशनल दूसरा इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर तीसरा इंटर गवर्नमेंटल ओशियनोग्राफिक कमीशन यूनेस्को दैट इज आईओसी यूनेस्को एंड फाइनली इंटरनेशनल डे फॉर द कंजर्वेशन ऑफ मैग्रूव एकोसिस्टम भी ऑब्जर्व करता है दोस्तों यूनेस्को कब जुलाई ट्वेंटी को तो इस दिन मैंग्रोव एको सिस्टम के बारे में अवेयरनेस फैलाते हैं इनके सस्टेनेबल मैनेजमेंट एंड कंसर्वेशन के लिए जो करना चाहिए उसे प्रमोट किया जाता है तो दोस्तों दैट्स इट आई होप आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा लेक्चर की पीडीएफ एड सोशल आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइडेड है थैंक यू फॉर वॉचिंग बाई बाई है